पांच राज्यों में से चार राज्यों में मिली अप्रत्याशित जीत के साथ बीजेपी अब 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर अभी से ही एक्शन मोड में आ चुकी है। आपको बता दें 2018 में लोकसभा के सेमीफाइनल कही जाने वाली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हैट्रिक मारी थी। फिलहाल इनमें से दो ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ट्रेन से सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो हम लोगों को जीत हासिल कराई ही है, विधानसभा में भी आप पीछे नहीं रहेंगे और आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलाएंगे और आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने अपना पूरा प्रयोजन करेंगे। मित्रों, मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। पहले राजनीति क्या होती थी? नेता या तो फ्लैक्स पर दिखता था टंगा हुआ या कहीं हाथ हिलाता हुआ दिखता था, वो लोगों के बीच में नहीं दिखता था। और कोई भी पार्टी जो कहती है उसको करके जनता में जाने का काम नहीं करती है। ये मोदी जी ने ही रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति चलाई है और कहा जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये संस्कृति मित्रों पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर आज मुझे दुख होता है। मैं राजनीति में हूँ, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको दुनिया का आशीर्वाद भी मिल रहा है, हमारे लिए स्थिति अनुकूल है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप उस बात को समझिए कि देश में प्रजातंत्र के लिए ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं ये बहुत बड़ा खतरा बन गई। ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप जम्मू कश्मीर की बात की, पीडीपी परिवार की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी, कांग्रेस ये भी परिवार की पार्टी, अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है। और सन 1952 से लेकर के 2019 तक ये हमारी पार्टी है, जहां किरोड़ी मीणा जैसे लोगों ने, दस करोड़ लोगों ने अपने जवानी के समय से काम शुरू किया। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उसको पूरा करके दिया है, बाकी सब फिसल गए, फिसल गए, पता ही नहीं खड़े हो गए दूसरी जगह। हाँ बताइए, जम्मू कश्मीर का संविधान अभिन्न अंग भारत का होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? अब पूछिए कांग्रेस के लोगों से क्या हो गया था तुमको उस दिन संसद के अंदर जो तुम विरोध में खड़े हो। आप पूछिए इनसे, ये पारिवारिक पार्टियों से, क्या हो गया था तुमको, क्यों चले गए थे तुम विचारधारा छोड़, क्यों भटक गए थे? कहते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तुम इंडियन रह गए हो, भारतीय रह नहीं गए, ना तुम नेशनल रह गए हो। और कांग्रेस तो है नहीं, तो परिवार की पार्टी बनी, भाई बहन की पार्टी बनी। राजस्थान की रिपीट नहीं होने वाली परिपाटी पर सीएम गहलोत का दावा है इस बार इतिहास बदलेगा, जिसको लेकर उन्होंने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी राजस्थान फतेह का प्लान तैयार हो चुका है। अभी तक बीजेपी की ओर से सीएम चेहरे को लेकर आपसी द्वंद्व भले ही बरकरार हो, मगर कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। लिहाजा 2023 में राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल कल्पना से परे है।